तो हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है मेरे चैनल पे आप सभी का। तो आज मैं आज की प्रॉब्लम के बारे में बताने आई हूँ जो गर्ल या बॉय को दोनों को होता है। तो ये नेचुरली प्रॉब्लम है। तो हाँ, मैं ऐसे एक हेयर पैक लाई हूँ जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो गाइस चलो मैं आपको बताती हूँ वो हेयर पैक कैसे बनाते हो और उसमें सामान जो जो लगता है वो बताती हूँ। तो चलो, तो मैंने देखो थोड़ी सी दही ली है, मेरे लेंथ के हिसाब से ही दही ली है मैंने। तो गाइस मैंने प्याज भी लिए है मेरे लेंथ के हिसाब से, मैंने दो प्याज लिए हैं और मिक्सर में पीस के ले लिया है। तो गाइस मैंने दो प्याज लिए थे। तो चलो गाइस इसे अभी मिक्स कर लेते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो मैंने दही इसके लिए यूज़ किया है कि दही में लैक्टिक एसिड होता है और ये हमारे बालों को बहुत फ़ायदेमंद होता है, और प्याज भी हमारे बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर ले। तो देखो ये हेयर पैक रेडी हो चुका है। तो कैसे अप्लाई करें चलो मैं आपको बताती हूँ। तो गाइस दो सेक्शन में बाल को बांट लेते हो और अच्छे से कॉम कर लीजिए। और देख सकते हो मेरे बाल कितने घने और लंबे हैं, तो आप देख सकते हो। तो चलो गाइस कैसे अप्लाई करें हेयर पैक को आपको बताती हूँ। तो अच्छे से स्कैल्प पे ही लगाएं हेयर पैक को। तो देखो मैंने छोटा छोटा सेक्शन निकाल के हेयर पैक लगा रही हूँ, इतने अच्छे से लगा रही हूँ हेयर पैक में छोटा छोटा सेक्शन निकल के। तो देख सकते हो गाइस एक साइड से हो गया है। तो आप इस साइड से छोटा छोटा सेक्शन निकाल के लगाऊंगी हेयर पैक। तो गाइस ये हेयर पैक आप भी यूज़ कर सकते हो, हफ्ते में दो बार यूज कर कीजिए। ये हेयर पैक आपके बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और हेयर पैक अपने बालों को झड़ने से और मज़बूत बनाने में बहुत हेल्प करता है। इसका रिजल्ट बहुत जल्दी लगता है। तो आप भी ये हेयर पैक ज़रूर यूज़ कीजिए। तो देखो मैंने कितने अच्छे से लगाया है पीछे से भी, एक बार जरूर ट्राई कीजिए हेयर पैक। चलो मेरा लगा के हो गया है, तो थोड़ा सा रहेगा। तो देख सकते हो गाइस मैंने कितने अच्छे से लगाया है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो हेयर पैक ज़रूर यूज कीजिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। तो बाय।